हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज देखिए ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। इसे आप लेडीज जैकेट पे, कार्डिगन पे, गर्ल्स की टॉप पे, बेबी ब्लैंकेट पे, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत दिखता है और बनाने में उतना ही इजी है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 8-8 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए और प्लस 3 कर लेंगे तो डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सके। तो आइए बना के बताते हैं कैसे बना है ये डिजाइन। इसे बनाने के लिए 8-8 के मल्टीपल में डबल क्रोशिया करके प्लस 3 कर लेंगे तो डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने एक बेसिक रो तैयार करके रखी हुई है, इसी के ऊपर मैं आपको डिजाइन बनाना बता दूंगी। लीजिए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, डिजाइन हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं एक रो यहाँ सिंगल क्रोशिया की कर रही हूँ। सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर ली है तो हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। दो चेन बना लेंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया कर लिए एज के लिए हमने। इसके बाद हमने यहाँ पे दो चेन बनाएंगे, सॉरी तीन चेन बनाएंगे, एक दो, तीन स्टिच छोड़ेंगे, चौथे में आ जाएंगे, एक दो। इसके बाद फिर से तीन चेन करेंगे, एक दो, तीन स्टिच छोड़ेंगे, चौथे में आ जाएंगे, पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, दो चेन करके, दो डबल क्रोशिया करके, तो यहां पर हमने एक चेन बनानी है और उसके बाद इसके अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच छः, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो डबल क्रोशिया हैं इनको हमने इस तरफ से बुनना है ऐसे,
ये देखिए, ये डिजाइन की हमारी सीधी तरफ है। ये देखिए, एक चेन करेंगे, इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक चेन, ये 2 स्टिच उठा के बनाने हैं हमने इस तरफ से। अब एक चेन, 6 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक चेन और ये 2 डबल क्रोशिया, 1, 2। नेक्स्ट रो पे आ गए, 2 चेन करेंगे, 1, 2। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक चेन बना लेंगे, और ये 6 डबल क्रोशिया हैं तो इसके ऊपर इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक चेन, अब ये देखिए, इस पर हमने इस तरफ से ऐसे उठा के बनाना है। अब एक चेन, ये 6 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक चेन, अब ये इस तरह से उठा के बना लेंगे, 2 स्टिच, 2 पे आ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने 2 चेन बनानी है, 1, 2। अब क्या करना है, 1, 2, 3। ये 6 में से हमने 3 स्टिच ले लिए और सबको एक साथ बना लेना है। अब यहाँ 2 चेन बनाएंगे और ये नेक्स्ट जो 3 बचे हैं इनको बनाएंगे, 1, 2, 3। सबको एक साथ बना लेंगे। अब 2 चेन बना लेंगे और इसको ऐसे इस तरफ से उठा के बनाना है। चेन,
ये देखिए इस तरह से बनेगा ये डिजाइन। इसके बाद फ्रेंड्स हमने डिजाइन को शिफ्ट कर लेना है, ये चीज हमारी यहाँ आ जाएगी और ये डिजाइन है हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हर बार हमने डिजाइन को शिफ्ट करते जाना है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है तो वही रो हमारी यहाँ बनेगी और डिजाइन को हम शिफ्ट कर लेंगे। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।